वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड आज का ये वीडियो है काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे फ्रेंड आज समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे जो कि हम बात करने वाले, क्योंकि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। फ्रेंड फिर भी फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड, जो है कि अभी जो गर्मी का जो है कि सीजन यानी कि मौसम चल रहा है फ्रेंड, इसमें जो है कि लाइट वगैरह काफ़ी इश्यू और प्रॉब्लम रहता है, जिसमें फ्रेंड जो है कि हमें इन्वर्टर बैटरी वगैरह की जो है कि काफ़ी इस्तेमाल करने की जो प्रॉब्लम जो है आती है। कई बार जो है कि न्यू बैटर जो इंस्टॉल करने में यानी कि जो न्यू इन्वर्टर वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं फिर उनमें प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड आज इसी वीडियो में मैं आपको फुल सेटिंग के साथ सिखाने वाला हूँ फ्रेंड, कि किस प्रकार से इन्वर्टर की जो है कि सेटिंग वगैरह की जाती है, किस प्रकार से उसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर आप उसको घर पे कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक की सहायता के, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे के। फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वीडियो को फुल वॉच करें, फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें फिर, क्योंकि वीडियो के में ही कुछ मैं इस तरह का आपको टॉपिक भी दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए फिर इन्वर्टर बैटरी जो कि इंस्टॉल करने में। फिर तो वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। फिर वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय वीजो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, तो जो है कि हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी गार्ड का जो हमारे पास इन्वर्टर यानी कि यहाँ पे आया हुआ है फ्रेंड, इसका जो बिल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। बिल में जो है कि फ्रेंड मैं आपको अमाउंट आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड। यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वी गार्ड का इनका जो है कि यह फ्रेंड जो है कंपनी से वारंटी कार्ड यानी कि लिस्ट है फ्रेंड, इसमें आपको सभी प्रकार का जो है कि वी गार्ड कंपनी के इन्वर्टर बैटरी के पूरे फंक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड। अगर आपको इसका मैकेनिज्म पार्ट के बारे में समझना है कि फ्रेंड हमारा जो कि इन्वर्टर बैटरी होता है फ्रेंड वो किस मैकेनिज्म पे काम कर सकते हैं, तो फ्रेंड आप जो कि कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर हमारे 100 से अगर ऊपर कमेंट्स आते हैं फ्रेंड इसी बात पे, तो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड कि किस प्रकार से जो है कि इन्वर्टर बैटरी जो है कि हमारा काम करता है फ्रेंड। तो आप जो है कि कमेंट जरूर करें फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वी गार्ड का जो है कि ये इसमें कुछ बेसिक्स जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार की जो कि लीडें वगैरह यहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड। फिर यहाँ पे जो है कि हमारा इनपुट सप्लाई यानी कि हमारे पे यहाँ पे मेन लाइन है फ्रेंड, जो कि हमें यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों जो प्राप्त करने वाले हैं मेन पावर से फ्रेंड, वो हमारी लीड रहेगी। साथ में यहाँ पे रिसन पॉइंट यानी कि फ्यूज़ लगा रहता है फ्रेंड, यानी कि अगर आपको उसको निकालना है तो आपको प्रेस करके इसको दबाना होगा, आपका फ्यूज़ जो है कि बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। साथ में यहाँ पे आउटपुट है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस प्लस है जो कि हमारा जो दोनों वायर है फ्रेंड, ये कि हमारे बैटरी से जो हमारा कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा पीसीबी यानी कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी हमारा पावर का जो इशू रहेगा फ्रेंड, उस प्रकार से हम इसको सेट करने वाले हैं फ्रेंड। आप इसके भी बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग जो है कि मैं पर्सनली अलग से कुछ किसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। यहाँ पे सिर्फ जो है कि हम इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्ट करने यानी कि इंस्टॉल करने वाले हैं फ्रेंड, बस इतनी ही जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे जो कि लीडर दी गई है माइनस प्लस के साथ में दी गई है, यानी कि आपको बैटरी के जो माइनस टर्मिनल पर ब्लैक वाले और केबल को जोड़ना, प्लस वाली जो रेड वाली है वो आपको प्लस वाले टर्मिनल पर जोड़ना है फ्रेंड। फिर हम इस प्रकार से यहाँ पे गए, इसमें जो कुछ मेन्यू वगैरह दिया गया यहाँ पे से भी अगर आप पढ़कर जो कि संपूर्ण जानकारी विषय हासिल कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें आपको मैकेनिक को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो कि हमारे पास लुमिनस का बैटरी यानी कि बैटरी जो है हमारे पास जो कि लुमिनस की, जिसकी जो कि वारंटी जो फ्रेंड जो है कि वो 42 मंथ की है फ्रेंड, और 150 की जो HP का ये हमारे पास जो कि बैटरी है फ्रेंड्स, लुमिनस का है फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसके जो गारंटी कार्ड वगैरह जो कि सीले इसमें साइन, उसके बाद में ऊपर में आपको पहले जो कि पैनल मिल जाएगा, पैनल में फ्रेंड जो इसके सभी कंपोनेंट्स रखे हुए हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे जो है कि इसके टर्मिनल के हिसाब से इसमें बोल्ट वगैरह भी, दोनों टर्मिनल के दोनों बोल्ट दिए हुए गए फ्रेंड। यहाँ पे आपको पानी चेक करने के लिए लेवल पाइप भी दिया गया है। साथ ही साथ में फ्रेंड जो है कि इस बैटरी को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो है कि हम आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार से जो कि आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड जब तक बैटरी को हम बाहर निकालते हैं उससे पहले फिर अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में शेयर करना ना भूलें। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम एक पावर बोर्ड लगाने वाले यानी इनपुट सप्लाई के लिए, जो कि फिर हमारे जो कि हमें यहाँ से हम पावर प्राप्त करने वाले और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे एक स्पीकर यूज़ करने वाले मेन सा पावर सप्लाई का जो इन आउटपुट का जो है कि फिर हम डायरेक्ट जो है कि घर की लाइन में इनको देने वाले। कस्टमर का कहना है कि फिर इनको जो है कि पूरी लाइन इन्वर्टर से चाहिए फिर।
सिर्फ इसमें जो है कि इंडक्शन वगैरह और हीटर वगैरह इनका कनेक्शन अलग करने वाले, क्योंकि मेरे इंडक्शन और हीटर से हमारा इन्वर्टर जो है कि ख़राब हो सकता है। बाकी जो है कि फ्रेंड हम इसमें हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पहले टी लगाए थे इसके आउटपुट से हमने माइनस प्लस दोनों को उठाया है फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से माइनस प्लस दोनों को उठाकर जो है कि इनकी बाहर की जो मेन लाइन है वहाँ पे हमने पहुँचा दिया है। यहाँ पे एक पावर बोर्ड लगा है जिसमें हम फिर इनपुट जो है कि हमारी पिन को लगाने वाले हैं, यानी कि इनपुट पिन को इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड यहीं से जो कि फ्रेंड हमारा इन्वर्टर चालू यानी बंद होगा, यानी कि लाइट की सप्लाई होगी यहाँ पे। उसके बाद में हमने जो माइनस प्लस के टर्मिनल के साथ साथ पानी लेवल के जो पाइप होते हैं फ्रेंड उनको भी इंस्टॉल कर दिया, यानी कांच की पिंगोरी जो होती है फ्रेंड्स सभी को हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद में फ्रेंड इसमें हमारी मेन लाइन आ गई है, उसके साथ साथ में फ्रेंड ये चार्ज भी जो कि फ्रेंड हो रहा है, यानी कि इसमें दो इंडिकेशन जो हो रहे हैं फ्रेंड उसमें मेन जो इसके चार्जिंग उसमें फ्रेंड इसमें काफ़ी इंडक्शन फंक्शन है फ्रेंड आपको मैं दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। फ्रेंड अगर पर्सनली आपको इसके भी बारे में अगर अलग से जानकारी चाहिए कि फ्रेंड इसको रिसेट किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड इसको में जो पावर का बटन होता है इसी से फ्रेंड इसके सारे बटन को मेन्यू करके रखना पड़ता है। अब फ्रेंड जो है कि हमारी लाइट जो है कि बैटरी से कनेक्ट करने के अभी हमारी लाइट जा चुकी है, अब हमारी जो है कि बैटरी पर हमारे पूरे घर की लाइट हो चुकी है फ्रेंड। जैसे ही लाइट हमारी आ जाएगी हमारा इंडिकेशन का पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड अभी हमारी मेन लाइन पर लाइन है और साथ साथ में फ्रेंड जो है कि चार्जिंग का भी इशू जो है कि यहाँ पे करने वाला, यानी कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज भी साथ साथ में हो रही है फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से। फ्रेंड इसको रीसेट करने का अगर आपको क्वेश्चन का अगर जानना है तो फ्रेंड इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अलग से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी बैटरी भी फुल चार्ज हो रही है फ्रेंड यहाँ पर अभी। अब फ्रेंड जो हमारी मेन लाइन का जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, यानी कि लाइट जा चुकी है। तो फ्रेंड अब हमारी बैटरी जो है कि फ्रेंड वो पावर जो कि हमारा आउटपुट हमें दे रही है। तो फ्रेंड मिलता है अगले किसी नेक्स्ट में वीडियो को समझ में आया तो कमेंट जरूर।